जहिया से बनला दिल्ली के अध्यक्ष तू हो गइल बिहारी के बुरा हाल हो। जाहो निकम में मनोज तिवारी। रागिनी तिवारी लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। अभी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जो भाजपा को हार मिली है, इसमें अगर कोई दोषी है तो भाजपा के सातों सांसद और निगम पार्षद दोषी हैं। पब्लिक का क्या दोष है? पब्लिक तो सात के सात सांसद लगातार 10 साल से 2 बार आपको दे दिया और 15 साल से निगम पर कब्जा दे दिया हिंदुत्व के लिए भाजपा को। लेकिन भाजपा के सांसद इतने निकम्मे हैं जो कर्जकर्ता से इतनी दूरी बना के रखते हैं जैसे उनको कोई रोग लग जाएगा कर्जकर्ता से मिलते ही। अभी 7-8 दिन पहले मैं भाजमुओ दफ्तर गई थी चुनाव प्रचार के दरमियान, वहाँ मेरी एक फ्रेंड मिली। वो गौतम गंभीर जी को देखते हैं, नमस्ते सर बोली। मैं किसी को नमस्ते नहीं करती, मैं किसी के आचार विचार और आचरण को नमस्ते करती हूँ, मैं पद को नमस्ते कभी नहीं की। गौतम गंभीर मुँह ऐसे फेरा जैसे भूत को देख लिया हो सामने। कम से कम महिला नमस्ते की थी, महिला के नाते तो वो महिला को प्रति उत्तर दे देता। लक्ष्मी नगर अभय वर्मा जी के प्रचार के लिए हम लोग गए थे, क्योंकि वो मिथिलांचल के हैं, मैं भी मिथिलांचल की हूँ। ममता झा दीदी मुझे लेके गई थी, सब कोई गेट बंद कर लेता था। सांसद आपके कहाँ है? अब मनोज तिवारी पूर्वांचली के नाम पर आप अध्यक्ष बने हैं, लेकिन 10,000 पूर्वांचली में 100 पूर्वांचली भी आपसे खुश नहीं होगा। जहिया से बनला दिल्ली के अध्यक्ष तू हो गइल बिहारी के बुरा हाल हो। जाहो निकम में मनोज तिवारी, नाम हसैल बिहार के हो तिवारी हो निकम में। अब तो आपको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए मनोज तिवारी, क्योंकि आपके साथ वही है जब बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा अस कोई जग में जन माना ही प्रभुता पाए जाके मद नाही बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, वही ये सातों सांसद का है। क्योंकि अपने बल पर ये निगम का चुनाव नहीं जीत सकते थे और निगम पार्षद एक गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकती थी जो निगम पार्षद ने जीता है। मोदी जी इस सातों सांसद का समूचे निगम पार्षद पर लट बजाइए, जनता आपके साथ है। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है क्योंकि ये सब मलाई खाने में लगा है और सिर्फ पद वही बाबा तुलसी जो कहें प्रभुता पाए जाके मद नाही रामचरितमानस में, वो प्रभुता को पदता से ले लीजिए। सिर्फ मलाई खाने में अपनी अपने अपने निजी स्वार्थ में लगा हुआ है, हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। मनोज तिवारी को उतार के कट्टर हिंदू को अध्यक्ष बनाइए जो दिल्ली का कल्याण कर सके। शाहीन बाग पर आपका एक भी सांसद खुल के नहीं बोला, CAA के समर्थन में आपका एक भी सांसद खुल के नहीं बोला। निगम पार्षद को तो इतना घमंड हो गया है जो वो तो कर्जकर्ता से इतनी दूरी बना के रखता है। मैं आप पार्टी की धुरी विरोधी महिला हूँ, लेकिन कुछ उसके काम पर मुझे भी कहीं ना कहीं सोचना होता है। जो कर्जकर्ता को इतना लेकर चलता है और इतना खुश रखता है कर्जकर्ता को आप पार्टी, यही खुश रखना आज दोबारा सत्ता में उसको ला दी। जब वो खुल के मुसलमान के सपोर्ट में बोलता है तो फिर आपका विधायक और सांसद खुल के क्यों नहीं बोलता हिंदू के सपोर्ट में? अगर नहीं बोलता है तो शाह जी और मोदी जी लठ बजाइए ये सब पर, टाइट कीजिए, जनता आपके साथ है।